चैप्टर 6 द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि भारतीय रेगिस्तान, जो सबसे बड़े रेगिस्तान हैं। व्हाट आर डेजर्ट्स, यानी कि रेगिस्तान क्या है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइफ इन द रीजन। सी द ब्लू गिवन पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट द नंबर ऑफ दोज पिक्चर्स दैट आर रिलेटेड टू अ डेजर्ट। ये नीचे दी हुई पिक्चर को हमें केयरफुली देखना है और कितनी पिक्चर्स डेजर्ट से संबंधित हैं, यानी कि रेगिस्तान से। जैसे ये नंबर वन है, ये रेगिस्तान है, ये भी रेगिस्तान है, ये भी रेगिस्तान। व्हाट आर डेजर्ट्स, डेजर्ट्स क्या है। डेजर्ट्स आर एरिया विच रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान वह एरिया होता है जो बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। द टेम्परेचर्स आर एक्सट्रीम, और जो वहाँ का तापमान होता है वो बहुत अधिक होता है, आइदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, चाहे वे बहुत ज़्यादा गर्म होगा अथवा बहुत ज़्यादा ठंडा। डेजर्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, कोल्ड एंड हॉट। जो रेगिस्तान होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड और हॉट, ठंडा और गर्म। लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर इज ए कोल्ड डेजर्ट। जो लद्दाख है जम्मू और कश्मीर में, वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। वेयर इज द डेजर्ट इज अ हॉट डेजर्ट। और जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं, जैसे थार डेजर्ट है, ये डेजर्ट्स का नाम है थार डेजर्ट, ये गरम रेगिस्तान होता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द डेजर्ट एरिया ऑफ आर कंट्री इज लोकेटेड इन वेस्टर्न राजस्थान। जो रेगिस्तान का एरिया होता है वो हमारे देश में वेस्टर्न राजस्थान में स्थित है। दिस इज कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट, और इसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं अथवा थार डेजर्ट कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न डेजर्ट, और इसको वेस्टर्न डेजर्ट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। द इंडियन डेजर्ट इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द ईस्ट। जो इंडियन डेजर्ट्स हैं वो किससे घिरे हुए हैं, अरावली हिल से घिरे हुए हैं पूरब में। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन द नॉर्थ ईस्ट। जो पंजाब और हरियाणा के राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्ट से घिरे हुए हैं। एंड द डेजर्ट एरिया ऑफ पाकिस्तान इन द वेस्ट। और जो रेगिस्तान का, पाकिस्तान का डेजर्ट एरिया है वो कहाँ पर है, वेस्ट में है। द डेजर्ट इज कवर्ड बाय सैंड ड्यून्स और सैंड हिल्स। जो डेजर्ट है वो किससे ढका हुआ है, रेत के टीलों से और रेत की पहाड़ियों से। दीज आर मूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स, और यहाँ पर बहुत ही तूफानी हवाएं चलती हैं। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन बिकॉज देयर इज नो वेजिटेशन टू होल्ड द सॉइल्स टुगेदर। जो यहाँ का तूफानी धूल भरी हवा चलती है, तूफान होता है, वो यहाँ का कॉमन है। बिकॉज क्योंकि यहाँ का कोई भी वनस्पति नहीं है जो मिट्टी को होल्ड कर सके, मतलब पकड़ के रख सके। ड्यू टू हीट एंड लेक ऑफ रेन, गर्मी के कारण और वर्षा की कमी के कारण देयर इज अ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में वनस्पति पाई जाती है। सम स्कैटर्ड बुशेस एंड थॉर्नी श्रब्स लाइक कैक्टी, कीकर, प्रिकली, पियर एंड बबूल आर फाउंड हेयर। कुछ फैली हुई झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, जैसे कैक्टिस, कीकर, प्रिकली, पियर एंड बबूल यहाँ पर पाए जाते हैं। द प्लेस वेयर द अंडरग्राउंड वाटर सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स आर कॉल्ड ऑएसिस। जो यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर है कुछ स्थानों पर, जहाँ पर मतलब स्प्रिंग्स कहा जाता है, ऑइसेस महाद्वीप में, आर लिटिल वेजिटेशन सच एज डेट पाम्स एंड थॉर्नी बुशेस ग्रो अराउंड द ऑइसेस। और कुछ थोड़ी सी जो वनस्पतियाँ हैं, जैसे खजूर
खजूर, पाम्स एंड कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं जो वॉइसेस में मतलब इस महाद्वीप में पाई जाती हैं। अ फ्यू क्रॉप्स सच एज व्हीट, मेज, मिलेट्स, ग्राम आर ऑल्सो कल्टिवेटेड नियर दीज वॉइसेस। और कुछ फसलें होती हैं जैसे गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चना जो यहाँ पर इस महाद्वीप के पास मतलब उगाई जा सकती हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन इज नॉट हैविली पॉपुलेटेड। जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में आबादी नहीं है। द पीपल हु लिव हेयर हैव अ डिफिकल्ट लाइफ। और जो लोग यहाँ रहते हैं उनका जीवन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड द वाटर ऑफ रिवर सतलज टू राजस्थान विद द हेल्प ऑफ इंदिरा गांधी कैनल। जो भारत सरकार है वो डायरेक्ट पानी रिवर सतलज से राजस्थान के में जाता है। किसकी हेल्प से? इंदिरा गांधी कैनल की हेल्प से। दिस इज हेल्प फार्मर्स टू ग्रो वीट, ज्वार एंड बाजरा इन राजस्थान। और जो यहाँ के किसान होते हैं इसकी हेल्प से वीट, गेहूँ, ज्वार और बाजरा राजस्थान में उगाते हैं। लाइफ इन द रीजन, इस क्षेत्र का जीवन कैसा होता है? पीपल लीड अ टफ लाइफ इन द थार डेजर्ट। जो यहाँ के लोग होते हैं बहुत ही कठिन जीवन होता है थार डेजर्ट के लोगों का। एग्रीकल्चर इज नॉट द मेन ऑक्यूपेशन, कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय नहीं है। इंस्टेड पीपल रियर कैटल, कैमल्स, गोट एंड शिप। बजाय लोगों को यहाँ पर ये कैटल, कैमल्स, गोट्स और शिप को चराते हैं। दे ट्रेवल्स ऑन कैमल्स, कैमल कार्ट एंड ओपन जीप्स। और यहाँ के लोग यात्रा किससे करते हैं? कैमल से। कैमल्स यानी कि ऊंट गाड़ियाँ होती हैं और ऊंटों पर बैठकर जाते हैं और ओपन जीप होती हैं। मोस्ट ऑफ द विलेज एंड टाउन्स आर फाउंड नियर द ऑएसिस। और ज़्यादातर जो यहाँ के गांव हैं और कस्बे हैं वो ऑएसिस के पास पाए जाते हैं। पीपल इन द डेजर्ट ट्रेवल ऑन कैमल और इन कार्ट्स पुल बाय द कैमल। और यहाँ के लोग किससे यात्रा करते हैं? कैमल के द्वारा ऊँट यात्रा करते हैं या ऊँट गाड़ी कैमल के द्वारा खींची जाती है। कैमल इज पॉपुलरली नॉन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट है वो यहाँ का प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए? उसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अ कलरफुल कल्चर रिच इन ट्रेडिशनल प्रिवेल्स इन राजस्थान। और यहाँ का जो कलरफुल कल्चर है, रंगीन संस्कृति है, वो बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है, परंपरा प्रवण है राजस्थान में। द पीपल हैव अ ग्रेट पैशन फॉर म्यूजिक एंड पोइट्री। और लोगों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महान पैशन होता है किसका? म्यूजिक का और पोइट्री कविता का। इन डेजर्ट्स द म्यूजिक लविंग जिप्सीज कॉल्ड बंजारास एक्ट एज ट्रेडर्स रोमिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। और रेगिस्तान में जो बंजारों का समूह होता है वो गांव से गांव घूमता है, सप्लाइंग डेजर्ट फैमिली विद फूड सप्लाइज एंड अदर गुड्स। और अपनी जो फैमिली होती है उनको फूड भी सप्लाई करता है, यानी कि खाना और अन्य सामान भी। डू यू नो वाटर इज वेरी प्रीशियस इन राजस्थान। क्या आप जानते हैं राजस्थान में पानी बहुत कीमती है? वुमेन सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल दे वॉक टू फार अवे वाटर सोर्सेस टू फैच वाटर। यहाँ का जो लोक गीत होते हैं वो लोग चलते हुए गाना गाते हैं जब वो पानी खींच के लाते हैं। दिस इज नोन एज पनिहारी म्यूजिक। और इसको पनिहारी म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट हाउसेज इन द डेजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ एंड स्मॉल
विंडोज जो ज्यादातर घर होते हैं डेजर्ट्स में, रेगिस्तान के क्षेत्र में, उन पर चपटी छत होती है और छोटी खिड़कियां होती हैं। द वॉल्स आर मेड थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन्स कूल। और जो दीवारें होती हैं वो थोड़ी मोटी बनी होती हैं ताकि हीट बाहर रह सके और घर थोड़े ठंडे रहें। सम हाउसेस हैव अंडरग्राउंड टैंक्स टू स्टोर वाटर। और कुछ घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स होते हैं जो वाटर को स्टोर, पानी को स्टोर करते हैं। द पीपल ऑफ राजस्थान वियर ब्राइट कलरफुल क्लॉथ। और राजस्थान के लोग होते हैं वो बहुत ब्राइट मतलब चमकीले रंगीन कपड़े पहनते हैं। द मैन वियर धोती कुर्ता एंड ए कलरफुल टर्बन। जो यहाँ के आदमी होते हैं वो बहुत ही कलरफुल साफी पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं। द वुमेन वियर घाघरा चोली विद एन ओढ़नी टू कवर द हेड। और जो औरतें होती हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं और उनका सिर ओढ़नी से ढका होता है। तीज, गणगौर, होली, दिवाली एंड दशहरा आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। तीज होती है, गणगौर, होली, दिवाली और दशहरा यहाँ का मुख्य त्योहार होता है। जयपुर द कैपिटल सिटी, जयपुर है वो इसकी कैपिटल सिटी है मतलब राजधानी है। अजमेर, उदयपुर, जोधपुर एंड जैसलमेर आर द मेन सिटीज। जो अजमेर है, उदयपुर है, जोधपुर है और जैसलमेर है वो यहाँ के प्रमुख शहर हैं। माउंट आबू इज अ फेमस हिल स्टेशन इन राजस्थान। माउंट आबू है वो राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। रणथंबोर, भरतपुर एंड सरिस्का आर फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सेटअप हेयर। रणथंबोर है, भरतपुर है और सरिस्का है वो यहाँ का फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर।